हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को एलिवेट कैसे किया जाए। एग्जांपल के तौर पर मैंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जिसका प्रॉफिट फिलहाल 2,32,000 है। मेरे कोर लॉजिक या हाइपोथेसिस को बिना चेंज किए सिर्फ एंट्री एग्जिट कंडीशन को मॉडिफाई करके इस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, वो पूरा प्रोसेस डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रॉफिट इज 2,32,000 फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। मैंने कुछ कंडीशन चेंज की तो प्रॉफिट हुआ 3,05,000, फर्दर कुछ चेंजेस किए तो 3,71,000 और फर्दर चेंजेस 3,89,000 एंड देन 4,64,000। तो ये कैसे हुआ फ्रॉम 2,32,000 टू 4,64,000, विच इज़ ऑलमोस्ट 100% डिफरेंस। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस चेंज की है एंड ये रिजल्ट्स आए हैं। तो ये कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उसका एक हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं मेरे स्ट्रैटेजी का हाइपोथेसिस क्या है। मुझे बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूव्स कैप्चर करने हैं ड्यूरिंग द साइडवेज मार्केट, तो जो इस टाइप के मूव होते हैं। बट आफ्टर 2022 प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो नॉन डायरेक्शनल के मूव थे वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करूँ तो मेरे मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जा रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए था जो इन मूव को कैप्चर कर सके। तो बेसिकली मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया है, लेट अस सी ये मैंने स्ट्रैटेजी क्या बनाया था। तो 9:20 को ये स्ट्रैटेजी एंटर करना है ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ऐसा हमने डिस्कस किया कि ये सिर्फ थीटा डी के कैप्चर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं एक कॉल और एक पुट बेच रहा हूँ जहाँ पर नियरेस्ट प्रीमियम इज 100। वहाँ पे मैंने 20% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है एंड 60% का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। बट बिकॉज ये मूव्स बड़े हो गए तो मैंने इसमें क्या ऐड किया है, तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट ऐड किया है। जब भी मेरा SL हिट हो, कोई भी कॉल का हिट होगा या पुट का हिट होगा, अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं ऐसा प्रीमियम चूज करूँगा एट द टाइम ऑफ जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ 200 का प्रीमियम, वहाँ पे मैं 20% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 50% का टारगेट लगा दूंगा। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी के ये रिजल्ट्स है फ्रॉम जनवरी 2020 टू टिल डेट 30th जून 2023। सो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसमें क्या ऐसा मॉडिफाई कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट एलिवेट हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा कोर लॉजिक है कि हमें ऐसे नॉन डायरेक्शनल वायलेंट मूव्स को कैप्चर करना है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। नॉर्मल जो डायरेक्शनल मूव है उसे कैप्चर करने तो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ऐसे वायलेंट मूव्स के लिए ही बनाई गई है। अगर नॉर्मल छोटे मूव्स रहेंगे तो उसके लिए भी अलग स्ट्रैटेजी है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये वायलेंट मूव कैप्चर करने हैं। तो जनरली यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड फिर से मार्केट रिवर्ट हो गया, तो इसीलिए मैंने एडजस्टमेंट बनाया। बट मैं इसमें और एक एडजस्टमेंट क्या कर सकता हूँ विथ दिस एडजस्टमेंट। पहले जो 100 रुपये का प्रीमियम था वो जब भी एग्जिट हो गया 200 का प्रीमियम मैंने एंटर कर लिया, तो इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, 100 रुपये वाला प्रीमियम भी फिर से एंट्री ले ले, दैट इज़ मैं इसमें री एंट्री का फीचर भी एक ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, स्ट्रैटेजी ये रहा। स्ट्रैटेजी अभी भी एग्जैक्टली सेम है, मैंने सिर्फ 2 री एंट्री ऐड कर दिया है इन बोथ द लेग्स, कॉल एज वेल एज पुट में। तो सिर्फ री एंट्री ऐड करने से 2,32,000 से 3,00,000 हो गया। बट मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप कुछ ऐसा चेंजेस करते हो तो विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट आपका रिस्क दैट इज़ ड्रॉडाउन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 8,000 था ड्रॉडाउन जो यहाँ पे 10,000 हो गया है। यहाँ पे फर्दर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यह हमने जो टारगेट रखा था तो हमने टारगेट निकाल दिया कॉल पुट एंड जो एडजस्टमेंट लेग्स है उसमें से
हमने सिर्फ स्टॉप लॉस रखा एंड टारगेट निकाल दिया। अगर मैंने टारगेट निकाल दिया तो क्या होगा, जो 3 लाख का प्रॉफिट था वो सीधा पहुंच गया 371,000 पे, एंड जो 10,000 का ड्रॉडाउन था वो ऑलमोस्ट 16,000 पे आ गया है। अगर मैं फर्दर चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, अर्लियर मैं एग्जिट करता था 250 को, अगर मैं 320 तक ये पोजीशन होल्ड करूँ तो क्या होगा, तो ये जो मेरा 370 का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 390 तक पहुँच जाएगा और रिस्क 16,000 से 20,000 तक इंक्रीज हो गया। अब अगर मुझे कोई ड्रास्टिक जंप लेना है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम 100 ऐसा ऑप्शन सेल कर रहे हैं जिसका नियरेस्ट प्रीमियम इज़ 100, एंड एडजस्टमेंट के लिए ऐसा ऑप्शन ले रहे हैं जहाँ नियरेस्ट प्रीमियम इज़ 200। अगर मैं काम करूँ, इनिशियल लेग है वहाँ पे नियरेस्ट प्रीमियम के 200 वाले कॉलर पुट लूँ एंड एडजस्टमेंट के लिए नियरेस्ट प्रीमियम 400 के कॉलर पुट लूँ तो क्या होगा, तो एग्जैक्टली हमने वही टेस्ट किया है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी को मैंने सिर्फ स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दी, तो यहाँ पे 390 से हो गया 364, बट ये जो मेरा ड्रॉडाउन था 20,000 से हो गया ऑलमोस्ट 36,000। तो हमने स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम थी, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करके प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर दिया एंड यहाँ पे ड्रॉडाउन भी 8,000 से 36,000 तक पहुँच गया है। तो आप ऐसे एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं डिप्लॉय कौन सा करूँ, तो मैं भी अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये रिस्क के साथ, मैं दूसरा वेरिएंट टेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे ये जो 8,000 का मेरा ड्रॉडाउन था जो यहाँ पे 16,000 हो गया, अगर मैं ये रिस्क से कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद टेस्ट नंबर 5 में टेस्ट नंबर 3 से भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये जो मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिटायर करके ये स्ट्रैटेजी से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो, ये प्रोसेस है। आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने चाहिए, मेक श्योर आपका जो कोर लॉजिक है उसे आप चेंज ना करें, थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा कोर लॉजिक या कोर इंटेंशन था कि मुझे नॉन डायरेक्शनल वायलेंट मूव्स कैप्चर करने हैं। ये एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी विक्स कम हो गया है एंड मूव्स थोड़े वाइल्ड हो गए हैं, ठीक है, इसीलिए मुझे री एंट्री का फीचर ऐड करना पड़ा। अदरवाइज मैं री एंट्री का फीचर ऐड नहीं करता क्योंकि उसमें मेरा कोर लॉजिक थोड़ा चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन एलिवेट योर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपको भी ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजीज एलिवेट करनी है तो आने वाले दिनों में हम वेबिनार अरेंज करने वाले हैं जहां पे हम और आप मिलके साथ में स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे एंड उसे एलिवेट करेंगे। तो अगर आपको वो वेबिनार ज्वाइन करना है तो मेक श्योर आप दिए गए लिंक से साइन अप कर दें। वेबिनार का डेट एंड टाइम आपको मेल पे आ जाएगा एंड ये वेबिनार भी एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। सो मेक श्योर आप अभी साइन अप कर ले ताकि आपको अर्लीस्ट पता चल जाए कि ये वेबिनार कब होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।